Your question is, there is a right perimeter of a right angle triangle is 40 centimeter. We have drawn here a right angle triangle. And hypotenuse is given, that is equal to 17 centimeter. Okay, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आपको पता है कि यही इन्होंने कहा है? Yes, sir. अब आपको एक मैं फॉर्मूला देता हूँ. ये फॉर्मूला है 2m m square minus 1 और m square plus 1. इसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. और इसमें जो m square plus 1 होता है वो हमेशा ग्रेटेस्ट साइड को कहते हैं, यानी कि m square plus 1 is equal to 17. तो m square क्या होगा? 16. एंड m क्या होगा? प्लस माइनस 4. लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे हमेशा प्लस काम करेगा, प्लस 4 सेंटीमीटर. तो अब बताओ बाकी दोनों साइड आ जाएगा क्या आपके पास? बोलो. यस सर. तो ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है उसको आप याद कर लो, नंबर वन तरीका. और जो सारे बच्चे कर रहे होंगे वो ऐसा कर रहे होंगे, 40 से 17 को घटाएंगे तो उनको मिलेगा 23. तो अगर एक को हमने x लिया तो दूसरा हो जाएगा 23 माइनस x. और फिर पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक में सॉल्व करके, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे. लेकिन हम लोग तो निकाल चुके हैं, यहाँ पे 8 है, 15 है, 17 गिवन है. बच्चों बताओ क्लियर हुआ? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा yes, था, मजा आया ये वाला चीज देख के? बोलो. यस सर. तो ये आप लोग yes, sir. ये याद कर लो आप. इसमें जो सबसे छोटा साइड है वो है 2m और जो सबसे बड़ा साइड है वो है m square plus 1, जो कि आपका हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो ग्रेटेस्ट साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है और दैट इज इक्वल टू m square plus 1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Very good, very good.